नमस्कार, मैं ऋचा पटेल देव टॉक सीरीज लर्न फ्रॉम लीडर के 10वें एपिसोड में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गंगा की गोद हिमालय की छाया में स्थित विश्व के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए संकल्पित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ विद्या का भी समावेश मिलता है। यहाँ वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, विगत 9 एपिसोड्स को आप सभी का उत्साहवर्धक फीडबैक प्राप्त हुआ है। इसी उत्साह की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने लर्न फ्रॉम लीडर्स के 10वें एपिसोड को लेकर प्रस्तुत हैं। साथियों, इस एपिसोड में हमारे स्पीकर्स के द्वारा बताए जा रहे जीवन के व्यवहारिक ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस ज्ञान का लाभ अधिक व्यक्तियों तक पहुँच सके। हमारे आज के कार्यक्रम के चेयर हैं प्रतिभा रैना जी, इस कार्यक्रम के को चेयर हैं चंद्रशेखर पटेल जी, कीनोट स्पीकर हैं ज्योति सुथार जी, और आज के कार्यक्रम के एमिनेंट स्पीकर्स हैं अमृता द्विवेदी शर्मा जी और सूर्य प्रकाश उपराले जी। कार्यक्रम के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के प्रिसाइडर, युवाओं के मार्गदर्शक, अनुकरणीय व्यक्तित्व के धनी, अभिप्रेरक वक्ता ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर देव संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मैं सादर अनुरोध करूँगी कि वे हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी को भावभरा प्रणाम और हृदय से बहुत सारा अभिनंदन। आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किए गए इस महत्वपूर्ण प्रयास का, जिसको कि हम लोग लर्न फ्रॉम लीडर्स के नाम से जानते हैं, इसके 10वें एपिसोड की 10वें धारावाहिक की कड़ी आ पहुँची है। और जो विगत यात्राएं रही हैं वो अनेकानेक महत्वपूर्ण भावनात्मक उपलब्धियों से भरी रही। आज का जो अवसर है वो भी एक गंभीर चिंतन को लेकर के आया है, और इस चिंतन को लेकर के आया है कि आज जिन वक्ताओं के माध्यम से प्रेरणाएं हमारे सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मिलने वाली हैं, वो प्रेरणाएं अनेकों दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो प्रदान उनके द्वारा की जा रही हैं जिन्होंने शांति कुंज के आध्यात्मिक वातावरण में स्वयं को रचाकर, बसाकर, आत्मसात करके अनेकों ऐसी उपलब्धियों को अर्जित किया है जिनके माध्यम से वो न जाने कितनों के लिए प्रेरणा का और एक महत्वपूर्ण संदेश देने का कारण बने। और जब बातें ऐसे व्यक्तित्वों के माध्यम से कही जाती हैं तो उनका जो परिणाम निकल कर के आता है वो निश्चित रूप से जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। आज सही पूछा जाए तो आवश्यकता ऐसे ही व्यक्तित्वों की तो है। समाज से लेकर संस्कृति और मानवता से लेकर सारा का सारा इस इंसानियत का भविष्य एक ही तलाश में तो लगे हुए नजर आते हैं। तलाश यही है कि अच्छे व्यक्तित्व, प्रेरणास्पद व्यक्तित्व बाहर निकल कर के आए। जब जो परिस्थितियां विकराल होती हैं, विभत्स होती हैं, भयावह होती हैं, तो ऐसे समयों में अंधकार का आतंक तो निश्चित रूप से फैलता है, पर साथ ही साथ ये जो आतंक है वो प्रकाश पुत्रों को उनके अवतरण के लिए और उनके जागरण के लिए पुकार भी लगाता है। यदि सगर के पुत्रों को श्राप न मिला होता तो क्या भगीरथ तप करने के लिए प्रेरित हुए होते? यदि अस्थियों का ढेर भगवान ने न देखा होता तो क्या उनके मुख से वो गंभीर संकल्प निकल पाया होता, निश्चरहीन करो मही कुछ उठाए प्रणकी? यदि पीड़ित मानवता और धरती त्राही त्राही करते हुए माँ दुर्गा की शरण में न गए होते तो क्या वो असुरों का वध करने के लिए प्रकट हुई न हुई होती? ये सब तभी संभव हो पाता है जब अंधकार का आवरण छाता है, परिस्थितियाँ विषम होती हैं तो वो लोगों को भयभीत भी करती हैं, पर साथ ही साथ परिस्थितियों का प्रतिरोध करने का साहस भी पैदा करती हैं। पर आज की परिस्थितियाँ एक ऐसी ही मांग, ऐसी ही पुकार को लेकर के हम लोगों के सामने उपस्थित हुई हैं
जब वातावरण हर दृष्टि से विकराल नजर आता है, मनुष्य की सोच, भावनाएं, विचारणाएं सभी कुछ विकृत तो हो चली, स्वार्थ और जो निजहित है वो सर्वोपरि हो गया है, और ऐसे कठिन समय में अपने जीवन से प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्वों का आवाहन आज का इस समय करता हुआ नजर आता है। कहता तो यही है कि ये ऋषियों का, अवतारों का, पुण्य पुरुषों का, महापुरुषों का, देव मानवों का देश भारत, यदि ऐसे समय में ये आगे नहीं आएगा तो कौन आगे आएगा, जब पूरा विश्व भ्रमित है, सोच विकृत है, आदमी की विचारणाएं बहुत बुरी तरह से दिग्भ्रमित नजर आती हैं। तो ऐसे समय में मानवता को एक नई, गंभीर, पवित्र और सार्थक सोच देने का प्रयास यदि कोई एक संकल्प के माध्यम से कर सकता है तो वो गायत्री परिवार का एक ऐसा व्यक्तित्व ही कर सकता है जिन्होंने शांति कुंज के वातावरण में अपने आप को ढाला हो और फिर अपने जीवन के माध्यम से सभी को प्रकाश पैदा प्रदान किया हो। और आज जितने भी व्यक्तित्व आप सुनने जा रहे हैं वो सारे कुछ इसी तरह की प्रेरणाओं से भरे हुए हैं। और आज जब हम इस गंभीर चिंतन को सुनने के साक्षी बन रहे हैं तो सभी को यही शुभकामनाएं प्रदान करूंगा कि इस तरह के प्रयासों को सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने माध्यम से प्रारंभ कर सकें, ताकि हम अनेकों को सही दिशा दिखा पाने का कारण और माध्यम बन सकें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जिस तरह से अभी आपने हमें मार्गदर्शित किया कि हम अपनी जीवन की परेशानियों को ध्यान न देते हुए समाधान परक विचारधारा के साथ कैसे आगे बढ़ें, मेरा यह मानना है कि यह हम सभी के लिए जीवन में बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस सेशन की चेयरपर्सन प्रतिभा रैना जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। आप वॉलंटियर एजुकेटर, स्लम टीचिंग वॉलंटियर के तौर पर ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार हिंडन दिल्ली में कार्यरत हैं। प्रतिभा रैना जी। सागर सदृश प्रेम की प्रत्यक्ष छवि, हमारे गुरुदेव वंदनीय माता जी के सुखद चरणों में नमन। मुझ अकिंचन को भी जिनके चरणों में स्थान पाने का अविस्मरणीय सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे अनेकों जन्मों का यह सुफल है ऐसा मैं मानती हूँ। श्रद्धेय बुआ जी माता जी की जिनमें प्रत्यक्ष छवि दिखती है उन्हें, और हमारे श्रद्धेय फूफा जी को जो हमारे जीवन में प्रखरतम बनने की हमें प्रेरणा देते रहते हैं, मैं नमन करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम के आधार स्तंभ लर्न फ्रॉम लीडर्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर, हमारे अपने से ही सरल एवं गुरु चरणों में समर्पित श्रद्धेय चिन्मय भाई को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे भी इस मंथन में अपने लघु जीवन के अनुभवों को साझा करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। मेरा परिचय, मेरा नाम प्रतिभा रैना, मेरी शिक्षा हिंदी से MA है। मेरे पिताश्री स्वर्गीय डॉक्टर उमाकांत रैना जी शांति कुंज के समर्पित कार्यकर्ता, माँ श्रीमती उषा रैना जी। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि वंदनीय माता जी के साथ मैं कैसे जुड़ी। बात उन दिनों की है जिन दिनों प्राण प्रत्यावर्तन के सत्र हुआ करते थे। हम लोग तब स्थायी रूप से शांति कुंज में नहीं आए थे, तो पिताजी के साथ आने का मुझे सौभाग्य मिला। भोजन में वहाँ पर खिचड़ी मिलती थी, टोकन के द्वारा बनवाई जाती थी और फिर वो मिलती थी। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो एक दिन सौभाग्य से मुझे वन्या माता जी के पास जाने का सौभाग्य मिला, मिलने का। तो मैंने उनसे अपनी ये छोटी सी बात रखी कि माता जी मुझे खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बाकी तो मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत आनंद आता है, मैं बहुत खुश हूँ। तो वंदनिया माता जी ने एक देवकन्या को बुलाया और उसे बोला कि जो भी भोजन बना हो वो जल्दी से ले आओ, इसको बच्ची को खिलाओ। मैंने भरपेट भोजन किया, वो भोजन जो मुझे मिला वो मुझे उसका स्वाद आज तक महसूस होता है। मैंने माता जी को धन्यवाद किया, उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, गालों को थपथपाया और बोला जब भी तुम्हारा मन करे आ जाया करो, ये तुम्हारा अपना ही घर है।
और मेरे मन में उनके प्रति प्रेम का, आत्मीयता का भाव जागृत हो गया। मुझे वो बहुत प्यारी लगी। इस प्रकार से मैं माता जी से जुड़ी और फिर परम पूज्य गुरुदेव के साथ कैसे मेरी निकटता हुई, ये उन दिनों की बात है जब हम शांतिकुंज स्थायी रूप से आ चुके थे और उसी बीच में गुरुदेव को किसी ने आघात किया, गुरुदेव के ऊपर किसी ने आघात किया। तो जब मुझे घर में आकर पता चला, मुझे बहुत कष्ट हुआ और न जाने कैसे मेरे आंसू बहने लगे। मैं कितना भी रोकना चाहूँ मगर वो आंसू रुकते नहीं थे। मैंने सरलता में पिताजी से पूछा कि पिताजी गुरुदेव को क्यों मारा ऐसे, गुरुदेव ने उनको कुछ किया नहीं, गुरुदेव तो सब जो जानते हैं। तो पिताजी ने बोला कि बेटा ऐसा है कि गुरुदेव चाहते तो उसको तुरंत दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए कि हम लोग कितने गैर जिम्मेदार हो गए हैं, हम उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, ये आघात अपने ऊपर लिया। परंतु उस दिन के उनके ऊपर जो वो चोट लगी गुरुदेव को, ऐसा लगा जैसे मुझे ही वो कष्ट पहुंचा है और मैं उससे बहुत व्यथित हुई और मेरा गुरुदेव के प्रति प्यार, समर्पण, निकटता आती चली गई। अब मैं वापस अपनी ओर लौटती हूँ। मेरा बचपन, 1985 से हम गुरुदेव की छाया में आ गए थे और मैं पढ़ने में मेरा जो स्तर था सामान्य था, पर मेरी रचनात्मक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि थी और गुरु कृपा से मुझे उसमें शांतिगुंज द्वारा पूरा सहयोग, पूरा मार्गदर्शन मिला। पढ़ाई के साथ साथ हमें संगीत, नृत्य, सिलाई, कढ़ाई, पाक विद्या, स्काउट गाइड, बैंड बजाना, भोजनालय में श्रमदान, प्रणाम की लाइन में पानी पिलाने का श्रमदान और अपना विद्यालय साफ करना, शांतिगुंज की स्वच्छता, सभी शारीरिक सौष्ठव जितने भी होते हैं उनमें, और मानसिक शांति हेतु हमें प्रणाम, हवन तथा आध्यात्मिक विकास हेतु हमें योग, जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि सिखाया जाता था। और इसमें हमारे ऊपर, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था कि हमें इससे बच करके निकल सके, ये कंपलसरी था, अनिवार्य था। वरना हमारे स्कूल में जो हमारे गुरुजन होते थे और बाहर में चाची जी से डांट भी थोड़ी थोड़ी मिल जाती थी। परम वंदनीय माता जी हमें समय समय पर बुला करके अच्छी अच्छी चीज़ें, कभी पेन, कभी कुछ खाने को देती थी, साथ में ढेर सारा प्यार, ममत्व उनका मिलता था। और कभी कभी हम कन्याओं को गायत्री माता जी की चुनरी जो होती थी वो मिलती थी, उससे तो हमें और अधिक प्रसन्नता मिलती थी। शांतिगुंज के सभी बाबूजी, अम्मा जी, चाचा जी, चाची जी, भैया, दीदी हमें अपनों से अधिक प्यार भरा संरक्षण देते थे। कभी कभी मीठी सी डांट भी दे देते थे समय, परिस्थिति के अनुसार, जिससे कि आज हम सभी और ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग, मजबूत बन पा रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता है। जीवन के हर क्षेत्र में मेरा मानना है कि हम बच्चे बढ़ते गए और अधिक श्रेष्ठता के साथ बढ़ते, फलते, फूलते चले गए। इस बढ़ने, फूलने, फलने में उन्होंने हमारे लिए कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ा कि हम आगे न बढ़ सकें। साल की दोनों नवरात्रियां हम सब बड़े भाई बहनों के मार्गदर्शन में अवश्य पूरी करते थे। सभी मिलकर जब यज्ञ प्रणाम किया करते थे और बाद में हमारे बड़े भैया दीदी लोग हमको कभी पिकनिक ले जाते थे, कभी कुछ पारितोषिक रूप में विशेष रूप से कुछ देते थे। चूँकि मैं यहाँ अपने भैया दीदी से दूर थी तो कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बड़े भैया दीदी लोग इतना स्नेह देते थे कि वो अभाव कभी खलता नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे पत्राचार में पत्रों के उत्तर देने का क्रम में मुझे रखा गया और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। इससे मेरे ज्ञान अनुभव में बहुत बढ़ोतरी हुई और जीवन को सुख दुख दोनों ओर से समझने का मुझे ज्ञान मिला। इसके अतिरिक्त मुझे हमें स्वावलंबन विद्यालय में बेकरी, स्टिकर, साबुन बनाना, पापड़, गोमूत्र विनिर्मित औषध निर्माण तक का ज्ञान भी मिला। समाधि स्थल पर उन दिनों पर जो मिट्टी से लीप करके, गोबर से लीप करके रंगोली को सजाया जाता था, उस क्रम में भी मुझे बहुत समय मिला कि मैं उसको सजाने का काम कर सकूँ और वो मेरा मनपसंद कार्य था। गुरुवर मातृसत्ता की साक्षात अनुभूति का प्रत्यक्ष स्थल मैं आज सोचकर भी अपने को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ। इसके बाद मेरे जीवन का वह समय आया जब मेरा विवाह हुआ,
मुझे अपने शांतिगंज को छोड़ना था। शांति की शादी के बाद जहाँ मैं पहुँची वह परिवार तामसिकता से पूर्ण रूपेण आच्छादित था, जो कि मेरी कल्पना से परे था। कुछ दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कौन से लोक में आ गई हूँ, पर जो बात मेरे रोम रोम में समाहित की जा चुकी थी कि हम गुरुदेव के मानस पुत्र पुत्रियाँ हैं, हमें किसी भी विकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, वरन संघर्ष करके स्वयं को बाहर निकालना है और परिवार को भी इस माहौल से हटाना है और अपने आसपास भी श्रेष्ठ चिंतन व्यवहार को कायम करना है। इसी बीच मुझे शादी के बाद शांति कुंज पहली बार आने का मौका मिला। बुआ जी के पास गई तो मन में सोच कर गई थी कि बुआ जी से नाराज़गी जाहिर करूँगी, आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ अपने ऊपर जब बुआ जी ने मुझसे पूछा कि बेटा कैसी हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तब बुआ जी ने मेरी ओर भस्म का एक पैकेट बढ़ाया और कहा बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगा वंदनिया माता जी ने सिर पर हाथ फेर कर कहा हो बेटे तुम्हें इसीलिए वहाँ भेजा गया है कि मात्र शांति कुंज स्वर्ग नहीं है, मेरे बच्चे जहाँ भी जाएंगे स्वर्गमय वातावरण बनाएंगे। मैं शांति से पूरित होकर वापस लौटी, एक देव स्थापना का छोटा सा चित्र भी ले आई थी और उसको अपनी पूजा स्थली में मैंने स्थापित किया और नियमित संक्षिप्त उपासना का मैंने क्रम आरंभ किया। कुछ पॉकेट बुक भी ले आई थी और जो मैं पहले स्वयं पढ़ती थी और फिर अपने पड़ोसियों को, और जब कभी बाहर पार्क वगैरह में जाती थी तो पार्क में बांट देती थी जो मुझे योग्य लगता था। और जो ऑटो रिक्शा जहाँ भी मैं जाती थी ऑटो में, तो मैं ऑटो वाले भैया को देना कभी नहीं भूलती थी स्टिकर्स और ये छोटी पॉकेट बुक। इसी क्रम में समय बढ़ता गया और मेरे जीवन में पुनः सूर्योदय का वह दिन आ गया जब मुझे गायत्री परिजनों के संरक्षण में यज्ञादि कार्यों में जाने का सौभाग्य मिलने लगा। मेरा आत्मविश्वास लौटना आरंभ हो गया। समय और बढ़ा, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमें वहां से निकलने का मौका मिला और हम वसुंधरा जहां मैं अब रह रही हूं वहां पहुंच गए। ये भी गुरुदेव की बनाई हुई व्यूह रचना ही थी जो मुझे बाद में ज्ञात हुई। यहाँ शक्तिपीठ निकट ही है। मैं मनोयोग से सामर्थ्यानुसार समर्पित भाव से घर के साथ साथ गुरुसत्ता का स्वप्न साकार करने में गिलहरी जैसा सहयोग दे पा रही हूँ। आनंदित होती हूँ, अपने आप में धन्यवाद देती हूँ कि गुरुदेव हम कहीं और होते हैं तो क्या इतना मान सम्मान हमें मिलता, इतना अनुभव जीवन जीने का मिलता। हमारा न जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्म हैं जो हम जहाँ भी जाते हैं ये सुनने के बाद कि हम शांति कुंज के बच्चे हैं, लोग इतना आदर सम्मान देते हैं, या इस जीवन में इतना सब एक साथ मिल पाना क्या किसी को धन वैभव या अपने स्तर पर संभव है। मैं गुरु पिता से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक यह जीवन रहे आपके अतिरिक्त कहीं ना भटके, आपके लिए समर्पित हो सके और देश विदेश में फैले मेरे छोटे बड़े सभी भाई बहनों को जो अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार कार्य कर रहे हैं, बस यही कहना चाहूँगी कि हमें सदा सर्वदा यह स्मरण रखना है कि हम सामान्य बच्चे नहीं हैं और हम उन्हें अर्थात हमारे आराध्य को दुख की अधिकता से भूल जाते हैं। न उन्होंने हमें कभी भुलाया और न वो हमें कभी भुलाते हैं। हमारे हर दुख सुख के समय वे हमारे सहचर और प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं। क्योंकि सीमा समय का ध्यान रखना है, अतः ज़्यादा नहीं, गुरुदेव द्वारा लिखी गई जो गीता है, जिसको मैं, मेरा मानना है कि ये मेरी गीता है, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प की ओर मैं प्रेरित करूँगी कि हम सब भाई बहन वो अवश्य पढ़ें और उसके जो 18 संकल्प हैं उनमें से जो हमें रुचिकर लगे उसे पढ़कर और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। मुझे 10वां जो संकल्प है वो अधिक प्रेरणा देता है और मैं उस ओर प्रेरित होते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। अब मैं एक बार देश विदेश में मेरे जो भाई बहन हैं उनको हृदय से मंगल कामनाएं देती हूँ। वे जहाँ भी हैं और उच्च शिखरों पर अपनी पहुँचते चले। और अंत में मैं श्रद्धेय भैया चिन्मय भैया को, जो कि हमारे विवेकानंद सदृश जन जागरण हेतु कटिबद्ध हैं, धन्यवाद देती हूँ। गुरु सत्ता मातृ सत्ता को नमन करती हूँ।
बुआ जी फूफा जी के चरणों में नमन करती हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। तुम मिले जीवन मिला, तुम मिले मन प्राण पुलकित, तुमसे मिलकर हम जगतपति चेतनामय हो गए हैं। प्राण थे निष्प्राण जैसे, सांस थी निस्पंद सी, स्पर्श पाकर आपका प्रभु स्पंदनामय हो गए हैं। आपके चरणों में आकर हम गुरुश्री तर गए हैं, हम गुरुश्री तर गए हैं। धन्यवाद प्रतिभा रैना जी, आपने अपने संस्मरणों के द्वारा हमें बताया कि किस प्रकार गुरुदेव, माता जी और शांति कुंज का हमारे व्यक्तित्व के बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण में आज के को-चेयर चंद्रशेखर पटेल जी को बुलाना चाहूँगी। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में एज अ लेक्चरर कार्यरत हैं, चंद्रशेखर पटेल जी। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पटेल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से। मैं कुछ भी कहने से पहले सर्वप्रथम आदरणीय चिन्मय भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया देव टॉक्स के थ्रू कि जिसमें मैं अपने विचारों को आप सभी के समक्ष रख सकता हूँ और हम दोबारा से वो दिन याद कर सकते हैं जो हमने शांति उनमें बिताए या वो अमेजिंग मूमेंट्स। तो धन्यवाद सर आपके इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर मैं अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन के दिन हम याद करें तो सर्वप्रथम मैंने अपनी शिक्षा गायत्री विद्या पीठ से प्राप्त की जो कि 8th क्लास तक था उस टाइम, और 9th क्लास से हम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 1 पे हम गए जहाँ पे मैंने 9th से लेकर 12th तक की एजुकेशन साइंस बैकग्राउंड में कम्प्लीट की। वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद हैं और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे जब हम विद्या मंदिर के लिए हम एडमिशन लेने जा रहे थे। मुझे याद आता है उस टाइम चौरसिया बाबू जी थे और हमारे मम्मी पापा को किसी भी बात की दिक्कत नहीं होती थी, ना उन्हें चिंता करने की ज़रूरत होती थी कि कहाँ पे जाएंगे, कैसे एडमिशन करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि चौरसिया बाबू जी हमें गाड़ी पर लेके जाते थे और फिर वही हमारा एडमिशन्स कराते थे और सारी देखभाल वही करते थे। और सबसे इससे पहले ये होता था कि एक्चुअली में कि उससे पहले जो थोड़ी बहुत झांकियां होती थी या कभी निकलती थी 15 अगस्त 26 जनवरी में, और मुझे बहुत अच्छे से याद आता है स्काउटिंग में हम लोग कभी कभार बाहर निकलते थे और ज़्यादातर हम लोग जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी हम लोग या तो भल्ला कॉलेज तक जा पाते थे या फिर ज्वालापुर इंटर कॉलेज, तो यही हमारे लिए होता था जो कि साल में 1-2 बार मूवमेंट बन पाता था। पर जब हम 9th में एडमिशन ले रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि अब तो डेली हमारा जाना होगा रानीपुर मोड़ तक और हमें बहुत मज़ा आएगा। तो वो दिन थे, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि कभी कुछ हो गया तो सारी चीज़ें चौरसिया बाबू जी ध्यान रखते थे और वही हमारे टीचरों से सारा कम्युनिकेशन करते थे कि अगर हमसे कोई वहाँ पर गलती हो जाती थी। तो वो सारे दिन बहुत ही अमेजिंग थे और आज चौरसिया बाबू जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें उस वक्त सिखाई। उन्हीं के मोटिवेशन से हमने राज्यपाल का पुरस्कार प्राप्त किया जो कि हम नैनीताल गए थे, तो दोज आर द ब्यूटीफुल मोमेंट्स वी हैड एट दैट पर्टिकुलर द टाइम। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन BSc IT में की जो कि दिल्ली से की, और उसके बाद मैंने इसी फील्ड पर कंप्यूटर साइंस की फील्ड पर ही मैंने MCA किया जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज भीमताल में है, जो BIT मिश्रा की ब्रांच, वहाँ से मैंने किया। और उसके बाद 2014 से मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने ही विश्वविद्यालय के, जो कि गुरुदेव माता जी का एक सपना भी था और आदरणीय चिन्मय भैया के मार्गदर्शन पे मुझे यहाँ पे काम करने का अवसर मिला। तो यहाँ पे 2014 से मैंने ज्वाइन किया और 2018 में मैंने अपनी रिसर्च शुरू की डॉक्टर अभय सक्सेना सर के अंदर में, जिसमें कि बेसिकली मैं एनर्जी एफिशिएंट ALU डिज़ाइन
पे काम चल रहा है कि कैसे हम उस पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके कंजम्पशन को। तो डिफरेंट डिफरेंट आईओएस स्टैंडर्ड्स के साथ हम ये काम कर रहे हैं, और साथ में यह है कि किस तरीके से हम थोड़ा सा वेरीलॉग या फिर वीएचडीएल के साथ इस काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये थोड़ा सा मेरा रिसर्च का काम है। और अभी मैंने गुरुदेव माता जी की कृपा से यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड किया, तो ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है मैं समझता हूँ। तो अगर मैं अपने शांतिपुंज के कुछ दिनों को मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब मुझे वो दिन बहुत ही अच्छे से याद आते हैं जब हम 8th में थे और हमारे पास एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ पे करीबन करीबन 3 टीमें खेलती थी। तो एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ पे हम लोग 5th तक के बच्चे खेलते थे, फिर 6th से 8th तक के खेलते थे, फिर बड़े भैया लोग थे वहाँ पे वो लोग बड़े से ग्राउंड पे खेलते थे। तो हम लोग को एक टेनिस की बॉल मिलती थी, दूसरे थे भैया लोग उनको 2 टेनिस की बॉल मिलती थी, और जो सबसे बड़े भैया थे वो उनको 3 टेनिस की बॉल मिलती थी। तो वो दिन मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से याद आते हैं कि एक म्यूचुअली बहुत रिस्पेक्ट था जो कि आज भी है। और वो एक दौर था जहाँ पे हम धीरे धीरे क्रिकेट खेलना सीखे, धीरे धीरे जब बॉल खो जाती थी तो काफ़ी टाइम तक हम लोग ढूंढते रहते थे। सो वो सारे मोमेंट्स बहुत ही अमेजिंग थे। और ये भी बहुत अच्छे से याद आता है कि जो बैट बड़े भैया लोगों के लिए आता था वो धीरे धीरे पास ऑन होता था, और फिर जब हम छोटे होते थे तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि अब हमें खेलने को मिलेगा, और हम लोग खेलते थे। वो दिन भी बहुत अच्छे से याद आते थे जब बड़े भैया लोग हमें क्रिकेट खिलाने बाहर की तरफ लेके जाते थे, और हम ये नहीं सोचते थे कि हमें बैटिंग मिलेगी, हमें ये बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि चलो फील्डिंग करने को भी मिल गया तो बहुत ही बढ़िया है। धीरे धीरे बैटिंग करने का भी मौका मिला, और दोज वर वेरी ऑसम मोमेंट्स वी हैव। और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी शायद तक, जो एक शांति उनके कम्युनिटी में हमने सीखी वो बहुत ही अमेजिंग। भैया से तो आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, पर एक हम ये कहना चाहें कि कैसे कॉपरेटिव मैनर पे हम काम कर सकते हैं, कैसे टीम पे काम कर सकते हैं, वो शायद तक हमने यहीं पे ही सीखा है। और यहाँ पे जो भी चीज़ हमें मिला उसको रीपे तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, पर प्यार ही प्यार मिला है मेरा ये कहना है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं काउंट करके नहीं बता सकता हूँ। दूसरी बात मैं जो छोटी सी ये कहना चाहूँगा कि हूँ मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड पे ही, और मैं ये भी मानता हूँ कि आज की जनरेशन बहुत अच्छा काम करती है। जैसे आज भी मैं शांतिपुर में बहुत सारे बच्चों से जब मिलता हूँ या कभी खेलने का अवसर मिलता है उनके साथ तो मैं बात करता हूँ, तो बच्चे नई नई लैंग्वेजेस के साथ काम कर रहे हैं। इवन हम लोग थोड़े से पुराने हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, वी नीड टू अपडेट आवर सेल्फ एज वेल। पर जो भी उनसे बात हुई है, चर्चा हुई है, तो उनके साथ काफ़ी बढ़िया वो लोग कर रहे हैं। पर जो बच्चे नए हैं, जो फंडामेंटल्स के साथ पूछना चाहते हैं या कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मैं प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत डिस्कशन हेल्प वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम माई साइड, आई एल ऑलवेज रेडी, दैट्स नॉट एन इशू। आप कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी आप यहाँ पे आइए और हम लोग कुछ भी चर्चा कर सकते हैं रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस फील्ड। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, हम लोग जहाँ पे भी रहें अच्छे से रहें, प्यार से रहें, और आप जब भी यहाँ पर आएँ तो ज़रूर हम लोग मिलें, और हम लोग वो पुराने दिन जब रिकॉल होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बुआ जी फूफा जी का भी आशीर्वाद हम सभी पे बना रहें। अंत में मैं पुनः से आदरणीय भैया का मैं पुनः से धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने ये मौका दिया, ये स्पीच, ये टॉक जो आप सभी से हो पा रही है। और मैं इसी इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद चंद्रशेखर पटेल जी, आपने बेहद ही सरलता पूर्वक ढंग से हमें यह बताया कि कैसे शांति कुंज का वातावरण हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाता है।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस सेशन की कीनोट स्पीकर ज्योति सुथार जी को। आप योगा लेक्चरर के तौर पर महिला आश्रम कॉलेज भिलवाड़ा राजस्थान इंडिया में कार्यरत हैं। ज्योति सुथार जी, देखियो मेरी आंखें। ठीक है। नमस्कार। लर्न फ्रॉम लीडर्स के इस मंच से मुझे आप सभी के साथ में अपने अनुभव शेयर करने का सो अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को महाकाल का घोंसला, युग निर्माण का केंद्र बताया है। यह ऐसा जागृत तीर्थ है कि यहाँ पर पल भर भी व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो उसे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल उदित होना ही माना जा सकता है। मेरे माता पिता के कठोर साधना का ही परिणाम था कि मुझे 25 वर्ष की एक दीर्घ अवधि का समय यहाँ पर व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कुछ, बहुत से अनुभव हैं आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए, और समय की बाध्यता है इसलिए मैं थोड़ी ही बात कहूँगी। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल सभी सफल होना चाहते हैं, सफलता के पीछे भाग रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सफलता का रहस्य जानना चाहते हैं। सफलता का रहस्य क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह गुण है जो कि हर सफलता के पीछे छुपा हुआ है। सफलता की कुंजी ही है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? विषम से विषम परिस्थिति में भी समाधान ढूंढने की तत्परता, हर परिस्थिति का उज्जवल पक्ष देखने की आदत, यही है सकारात्मकता। सकारात्मकता वह गुण है जो बाह्य परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंतर्मन से जुड़ा हुआ गुण है और मनोबल और आत्मबल का प्रेरक तत्व है। प्रश्न उठता है कि सकारात्मकता का स्रोत क्या है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सकारात्मकता का मुख्य जो स्रोत है वो है गायत्री उपासना। गायत्री उपासना ही है जिसके द्वारा हर समस्या का समाधान संभव है। गायत्री उपासना अगर सही दिशा में और सार्थक हो रही है तो उसका सबसे पहला परिणाम और लक्षण सकारात्मकता के रूप में देखने को मिलता है। सकारात्मकता मन में प्रवेश करती है तो अंतर्मन बदलता चला जाता है। मन में उत्साह, उमंग की तरंगे हिलोरे लेने लगती हैं। बाह्य परिस्थितियां कुछ भी हो, अंतर्मन बदलता है, एहसास बदलते चले जाते हैं। वैसे ही जैसे किश्ती ने बदला नहीं रुख, किनारे बदल गए, बस यही स्थिति होती है। आरंभिक जो शिक्षा हुई वो गायत्री विद्यापीठ में हुई। आरंभ से ही एक आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त हुआ, अनुशासनबद्ध और एक सात्विक दिनचर्या जिसमें कि प्रार्थना, नाद योग, प्रवचन सब कुछ समाहित था, सब कुछ सामान्य और संतुलित था। एक कहने योग्य एक टर्निंग पॉइंट जो था लाइफ का वो हुआ 9th क्लास में गायत्री जयंती के दिन। गायत्री की दीक्षा ली थी मैंने और एक नियम लिया था 3 माला गायत्री मंत्र का। वो बड़ी ही दृढ़ता के साथ में एक लंबी अवधि के लिए यह नियम पूरी तरह पूरी निष्ठा के साथ में पाला इस नियम को। यही वो दौर था जिसमें कि गुरुजी के विचारों के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने का भाव जागा, एक भावनात्मक और एक आत्मिक जुड़ाव का एहसास हुआ और ये भाव जागा कि गुरुजी जिएंगे तो आपके लिए, पूरे जीवन भर के लिए आपके ही कार्यों में संलग्न रहेंगे। इस भाव का एक दृढ़ता से मन में घर कर जाना ये इसी अवधि के दौरान हुआ और धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ा
और ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन मेरा कंप्यूटर साइंस में हुआ और इससे मुझे आगे एमएससी करना था जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता। इसी सिलसिले में मेरे पिताजी का ये सजेशन था कि आप ये यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एडमिशन लो। मेरे मन में बहुत असमंजस की स्थिति थी, पूरा स्ट्रीम चेंज हो जाएगा, आगे का क्या करियर है, कुछ भी साफ नहीं था। उस समय पिताजी ने एक ही बात कही कि आपके जीवन का निर्णय या निर्धारण आप नहीं करेंगे, आप पर किसी का कर्ज है, आप पर गुरुजी की अपेक्षाओं का कर्ज है, प्यार का कर्ज है, इसलिए आप केवल अनुकरण कर सकते हैं जो कुछ भी गुरुजी भविष्य में आपसे करवाना चाहते हैं, उसी के अनुरूप परिस्थितियां आपके सम्मुख बनती चली जाएंगी। और बिल्कुल ऐसा भी हुआ भी सही और मैंने इसे स्वीकार किया और एमए से यूनिवर्सिटी से एमए योग में किया। ये वो समय था, 2 वर्ष का समय जीवन का एक गोल्डन टाइम था। इस दौरान एक छोटे से दिमाग में बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा अनुभव कूट कूट के जैसे भर दिया गया इस दिमाग में। जैसे गुरुजी कहते थे कि जो भी मेरे पास में आता है उसे मैं विचार क्रांति के बीच उसके अंदर भर देता हूँ, जिससे वो जहाँ जाता है वो विचार क्रांति के बीच विचारों को फैलाता है। बिल्कुल ऐसा ही इन 2 वर्ष की अवधि में हुआ और गायत्री उपासना का क्रम भी निर्बाध रूप से चलता रहा। फिर एमए कंप्लीट हुआ, उसके बाद में शादी हुई। शादी जब हुई तो इसे मेरी कमी कह लीजिए या दृढ़ता में कमी थी कि मैं उपासना के अपने नियम को आगे नहीं बढ़ा पाई और वो नियम टूट गया मेरा। मन में कुछ भाव ऐसा था कि एक आश्रम माहौल से निकल करके एक बाहरी दुनिया में जाना जिसमें कि बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे एक अंडे में से एक बच्चा निकलता है, पूरी दुनिया से अनजान रहता है, वैसी ही स्थिति कुछ मैं मेरे साथ में महसूस कर रही थी। नए माहौल में ढलने लगी और उपासना का नियम टूट गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो आत्मबल और मनोबल दृढ़ रहता था, आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहता था, वो धीरे धीरे गिरता चला गया। बाह्य जो नकारात्मक फीडबैक जो मिलते थे उससे मन कुंठाओं से ग्रस्त हो गया, एक बड़ी ही विक्षुब्ध मनस्थिति विनिर्मित होती चली गई। और एक लंबी अवधि बीती इसी तरह से। और फिर इस जो मानसिक शुद्धता की ही प्रतिक्रिया थी कि मन में यह प्रेरणा जागी कि वापस से पुनः गायत्री दीक्षा ली जाए और गायत्री उपासना का क्रम फिर से शुरू किया जाए। तो उपासना का क्रम गायत्री जयंती के दिन ये एक बहुत तीव्र इच्छा जागी और फिर से दीक्षा को रिन्यू किया और एक फिर से नियम लिया उपासना का और आरंभ किया। कुछ 1-2 महीने बाद में ही शांतिकुंज जाना हुआ, बुआ जी से मिली तो बुआ जी ने कहा कि तो गुरु जी की बेटी है और मनोबल ऊंचा रखना। मनोबल ऊंचा रखने की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई, चिंतित हो गई कि ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसमें मनोबल और आत्मबल ऊंचा रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा समय नहीं, 2 महीने का समय बीता और मुझे एक असाध्य बीमारी का पता चला। टीबी का इन्फेक्शन था। जब भी कोई बीमारी शरीर में होती है तो वो शरीर को कम नुकसान पहुंचाती है, मन को विचलित करती है, मन टूट टूट के बिखरता है। जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत चिंतित और बहुत दुखी देखते हैं खुद के लिए,
तो ऐसी ही मानसिक पीड़ा के दौर से मैं गुजरी। शायद गुरु जी को इस बात का एहसास था कि इस बुरे वक्त में गायत्री उपासना से मिले आत्मबल की मुझे सख्त आवश्यकता होगी। इस समय से पहले ही वो गायत्री उपासना आरंभ हो चुकी थी, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी मेरे लिए। धीरे धीरे करके यह दौर निकल गया और मन में सकारात्मकता घर करती चली गई और नई उमंग, नई तरंग, कुछ करने का एक जज्बा पैदा होता चला गया। और बाह्य परिस्थितियां, जैसे जैसे अंतरंग बदला वैसे वैसे बाह्य परिस्थितियां बदलती चली गई और पूरी दुनिया, पूरी कायनात ही जैसे अपने अनुकूल होने लग गई। दूसरी चीज ये कि जैसे ये तो था गायत्री उपासना का चमत्कारी फल, एक सकारात्मक दृष्टिकोण। तो अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में उसे छोड़े नहीं, और नहीं करते हैं, दीक्षा नहीं ली है, गायत्री उपासना का नियम नहीं है, तो प्लीज़ ये नियम बनाइए और इसे कंटिन्यू करिए। दूसरी चीज़ है कि आप कुछ भी पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उस चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ में कितना महसूस कर पाते हैं, इसी चीज़ पर वो आपका सफल होना निर्भर करेगा। जैसे इसे इच्छा शक्ति का नियम भी कह सकते हैं कि कितनी गहराई से, कितने एक उस चीज़ को पाना चाहते हैं। शुरू से ही मैं टीचर बनना चाहती थी। मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं था कभी भी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है ये मुझे शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देता था। छोटी क्लासेस में भी जैसे टीचर पूछते हैं सभी बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, तो सभी बच्चे कहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं कहती थी बेधड़क कि मुझे टीचर बनना है। तो एक बार बच्चों के ही एडमिशन के सिलसिले में मैं स्कूल में गई, तो जैसे ही मैंने एंटर किया स्कूल में, तो मुझे ऐसा यूँ एहसास हुआ मेरे भीतर से ही कि मैं एज अ पेरेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे टीचर हूँ और मुझे इस स्कूल में पढ़ाना है। और बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ में मैंने पूरे ही स्कूल में विजिट किया, पूरा सब तरफ मैं एक तरह से घूम करके आई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 महीने बाद ही वैकेंसी निकली और मैं अपॉइंट हुई, और 2 साल से ज़्यादा मैंने उस स्कूल में पढ़ाया। कहने का मतलब है कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको आप कितना गहराई से अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में आप महसूस कर पा रहे हैं, यही है। जब आप किसी चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करते हैं तो वैसे ही विचार और भाव और एक तरह से एक ऊर्जा आपके आसपास इकट्ठी होती चली जाती है, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। नींद में देखे हुए सपने सच होते हैं या नहीं होते, पर जागी हुई आँखों से जो सपने देखे जाते हैं वो अवश्य पूर्ण होते हैं, क्योंकि उसमें संकल्प की ताकत जुड़ जाती है। जब कभी भी किसी भी तरह का की चाहत, किसी भी तरह की इच्छा हो, चाहे वो भगवान से मिलने का ही आनंद क्यों ना हो, अगर तीव्र इच्छा है और उसे बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं तो वो भी असंभव नहीं है। इसलिए जो कहा जाता है कि स्वप्न देखने चाहिए जागी हुई आँखों से, तो ये जो बात है, ये दो ही बात मैंने कही कि पहला तो गायत्री उपासना की नियमितता, एक नियम होना चाहिए, और दूसरा कि जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत के साथ में महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, ये
मेरे देखा जाए तो पूरा मेरे अनुभवों का एक बिल्कुल जेस्ट है, जैसे मैंने 2 साल टीचिंग किया उसके बाद में फिर जैसे मेरे दिमाग मन में ये बात थी कि जो MA किया है 2 साल वो मेरी लाइफ में कहाँ काम आएंगे, तो उसका भी एक सही समय आया। और फिर मैंने एज अ योगा लेक्चरर मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया और मैं अभी हूँ योग में पढ़ा रही हूँ। तो कुल मिला करके आप जो भी आप पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहराई से अगर उसकी खुशी उसका एहसास कर पाते हैं तो वो उतना ही निकट आती जाती है, अपने लक्ष्य के हम करीब होते जाते हैं। ये मेरे अनुभव जो है ये जस्ट है मेरे अनुभव का। गायत्री उपासना और इच्छा को महसूस करने का एक तीव्रता, जितना तीव्र इच्छा होगी उतना ही लक्ष्य नजदीक होगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति सुथार जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में अपने विचारों को एक ही दिशा में लेकर आगे बढ़ना होगा। अब मैं आज के कार्यक्रम की एमिनेंट स्पीकर अमृता द्विवेदी शर्मा जी को बुलाना चाहूँगी। आप योगा इंस्ट्रक्टर इंचार्ज हैं और आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल कोर्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर FCYSCW मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली इंडिया में कार्यरत हैं। अमृता द्विवेदी शर्मा जी। आप सभी आत्मीय परिजनों को मेरा प्रणाम। मैं अमृता द्विवेदी शर्मा आपकी अपनी इस लर्न फ्रॉम लीडर्स की सीरीज़ में आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय चिन्मय भैया और सभी टीम को अपना आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि भैया का निर्देश रहा कि इस कड़ी में लर्न फ्रॉम लीडर्स की सीरीज़ में कुछ थोड़े से शब्द और अपने अनुभव अपने जीवन के और जो भी शिक्षा और विद्या हमने ग्रहण करी शांति कुंज से उस अनुभव को आप सभी के सामने साझा करना चाहूँगी। हम शांति कुंज 1994 में आ गए थे, तब हम सब छोटे छोटे थे और नर्सरी से मैंने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी है। तो हम दो भाई दो बहन हैं और हम जब शांति कुंज आए थे तो बहुत छोटे छोटे थे, नर्सरी में थे, तो हमारा पूरा शिक्षा और विद्या का कार्य वहीं से ही संपन्न हुआ। तो वहाँ के पर्यावरण से हमें जो भी विद्या विरासत में मिली है, हम सब अब जब बाहर आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शादी के बाद जब हमने बाहर की दुनिया देखी तो हमें लगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस वातावरण में स्वयं भगवान हमारे गुरु रहे और उनके संरक्षण में हम किस तरीके से पले। यहाँ पे लोगों के पास अच्छे विचार की कमी है, लोगों को दिशा की कमी है, जो कि हमें विरासत में गुरुदेव से ऐसे ही मिलती रही। हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी प्रार्थना प्रार्थना के साथ में भैया दीदी शब्द, आजकल यहाँ पे अगर बाहर भैया दीदी शब्द अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बोलें तो सब मजाक बनाते हैं कि कौन भैया कौन दीदी। और हम हमेशा एक वसुधैव कुटुंबकम के भाव से ही अनायास जीते रहे हैं। तो हमारी आत्मीयता अनायास इस विश्व से बनी हुई है जो कि गुरुदेव ने हमें विरासत रूप में दी है। वहाँ की हर एक जीवन शैली, यज्ञ करना, यज्ञ करने से यज्ञ के साथ मंत्र, मंत्र का विज्ञान जो हम पढ़ते हैं अब हमें पता चलता है, पर हम दौड़ दौड़ के शांति कुंज में हवन करने जाना, प्रणाम करने जाना और पहली पाली में यज्ञ करना है, इसकी होड़ हमें लगी रहती थी। और उससे अनायास हमें ऊर्जा अपने आप, आत्मबल अपने आप बढ़ता जाता था। अगर हम बाहर किसी
किसी के भी साथ जा रहे हैं तो पता चल जाता था हमारी ऊर्जा और प्राण ऊर्जा से कि ये शांति कुंज से आए हैं। इनमें हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने फिरने का तरीका, ये सब गुरुदेव का, माता जी का आशीर्वाद और प्यार है। वो हमारा इतना बड़ा परिवार और जिसमें हम पले बढ़े हैं, उसमें आध्यात्म घुला हुआ है हमारी सांसों में। अगर सीखने वाली बात है तो बस इतनी सी है कि गुरुदेव को हम कितना समर्पण कर पा रहे हैं, कितना, क्योंकि उनका प्यार, जितना प्यार वो हमसे करते हैं गुरुदेव, उतना प्यार शायद ही कोई हमसे करता होगा। अनकंडीशनल लव, हम पता नहीं क्या कर पा रहे हैं गुरुदेव के लिए, पर वो हमेशा उनका संरक्षण, प्यार हमेशा बना रहता है हर कदम पे। ये चीज़ अनुभव तब होती है जब उस वातावरण से हम बाहर निकल के आते हैं। हमने धीरे धीरे पढ़ाई की, पढ़ाई आज हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि कितना, कितनी यथा संपत्ति बच्चों की पढ़ाई में ही लग जाती है। छोटे से छोटे या बड़े से बड़े, कहीं भी, सब माता पिता चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। आज की एडमिशन फीस ही आप देखिए कितनी महंगी, और सिर्फ शिक्षा की होड़, विद्या, क्योंकि चिंतन, चरित्र, व्यवहार शिक्षक को ही अभी अपना गढ़ना बाकी है, तो विद्या का परिप्रेक्ष्य भी पक्ष बहुत पीछे रह जाता है बच्चों के लिए। पर हमें ये सब विरासत में मिली, हम छोटे से ही शिक्षा और विद्या दोनों के समुच्च में जीते आ रहे हैं, और वो चीज़, हम छोटे छोटे थे, हम सबकी पढ़ाई अनायास ही एक इतने अच्छे वातावरण में होती गई, और जिसमें हमारा कहीं भी भटकाव नहीं था। हम पढ़ते थे तो हमारा पूरा फोकस पढ़ाई में होता था, हमारे पास टीवी नहीं थी और इधर उधर भटकने के कोई साधन नहीं थे, तो हमारा पूरा ध्यान खेल कूद में, पढ़ाई में रहता था, और उसके साथ आध्यात्मिक वातावरण हमें ऐसे ही मिलता जा रहा था। तो आज जब हम उस वातावरण से निकल के इस बाहरी संसार में आए हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ पे भी हम खड़े होते हैं वहाँ पे सब लोग हमें एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं लोग हमसे करते हैं। और आप जिस भी कर्तव्य, आप एक, लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी पत्नी है, बहू है, माँ है, क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने हमें हमारे स्वभाव में परिवर्तन के बारे में हमें बताया कि अपने स्वभाव, अपने को बनाओ, अपने को बनाओ, अपने को बनाओ। हमारा संरक्षण, गुरुदेव का संरक्षण तो हमारे ऊपर है ही, गुरुदेव का प्यार तो हमारे ऊपर है ही, बस हम अगर अपने कर्तव्य को करते जाते हैं, कर्तव्य पालन के साथ साथ अपनी एक लक्ष्य बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक चलते जाते हैं, तो हमारे दिमाग में कोई भटकाव होता नहीं है, लक्ष्य हमारे सामने होता है, निरंतर उसके लिए परिश्रम करने से सफलता मिलती ही है निश्चित रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आप सभी भाई बहनों को, आप सभी आत्मीय परिजनों को मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो विरासत स्वाभाविक रूप से गुरुदेव ने हमें इस वातावरण के रूप में दी है, अभी उसका महत्व हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि उस वातावरण में हम अभी रह रहे हैं। हमारे गायत्री विद्यापीठ के भाई बहन, हमारे अन्य भाई बहन जो अभी शांति कुंज में रह रहे हैं, अभी शांति कुंज का महत्व भले पता चले ना चले, पर अब जब बाहर आएंगे शांति कुंज के, तो और अलग अलग लोगों से आप मिलेंगे, जुड़ेंगे, तब पता चलेगा कि वाकई लोगों के पास अभी अच्छे विचारों की कमी है, अभी पता ही नहीं है कि हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें, थोड़ी थोड़ी बातों में ईगो कैसे हर्ट हो जाता है, कैसे बहुत परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी परिस्थिति बात को लेकर। पर हमें अच्छे विचार देकर गुरुदेव ने बहुत स्थिर बनाया है, अपने आत्मविश्वासी बनाया है, अपने अंदर प्राण ऊर्जा भर दी है, तो उस प्राण ऊर्जा को बनाए रखने के लिए गुरुदेव ने बोला है कि सुबह के समय 10 मिनट गायत्री मंत्र जप,
अब मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि जब हम 12th में थे, 12th तक जितना हवन प्रणाम और मंत्र जाप हो जाता था वो इतना याद नहीं, पर 12th के बाद जब हमारा एडमिशन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ, जहाँ से मैंने योग और मनोविज्ञान दोनों को साथ में लेकर एमए मनो क्लिनिकल साइकोलॉजी और एमए योग से किया, और उस दौरान जो हमारा शैक्षणिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष, जिसमें मैं गायत्री मंत्र की बात कह रही हूँ, वो एक लगन लगी कि गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके बाद मैंने खुद अपने प्राण ऊर्जा का स्तर अनुभव किया कि प्राण ऊर्जा का स्तर के साथ उत्साह अपने अंदर निरंतर सकारात्मक विचारों का आना, ये सब गायत्री मंत्र से स्वभावतः मिलते जाते हैं। जिस चीज़ की इच्छा करी वो सब अनायास मिलती चली गई। तो मन में कभी कभी डर लगता था कि ऐसी कोई इच्छा ना हो जो हमारे व्यक्तित्व के विरुद्ध हो, जो हमारा खुद विनाश करे। तो इसलिए हमारे पास इतनी शक्ति और क्षमताएं आ जाती हैं। तो गायत्री मंत्र का निरंतर मंत्र का जाप बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ निरंतर ध्यान गायत्री माता का, क्योंकि हमारे पास भटकाव नहीं है ज़्यादा। भटकाव बाहर की, अब क्योंकि पहले बहुत अच्छा था, गुरुदेव की कृपा रही कि हमें मोबाइल नहीं दिया गया, हमें टीवी नहीं दिखाई गई बहुत, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान खेल में और पढ़ाई में लगा रहा। तो हम जहाँ पे भी गायत्री माता का अगर ध्यान करते थे तो गायत्री माता हमारे सामने साक्षात ऐसा लगता था विद्यमान है। कोई भटकाव नहीं, जिस चीज़ का चिंतन करना चाहा उस चीज़ के अलावा कोई और भटकाव नहीं आया। तो ये चीज़ हमें गुरुदेव की कृपा से मिली हुई है, हमें एकाग्रता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न ही करना पड़ता। तो ये सब गुरुदेव और शांति कुंज के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम सभी को बहुत आभार और बहुत सौभाग्यशाली अपने को मानना चाहिए। उसके साथ साथ ही अगर मेरी शैक्षणिक यात्रा देखें तो मैंने मनोविज्ञान और योग को लेकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अपना एजुकेशन प्राप्त की। उसके पश्चात विवाह के बाद ही मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर किया 2018 में, और जेआरएफ क्लियर होने के बाद ही मोरारजी देसाई में पोस्ट निकली योगा इंस्ट्रक्टर की, और जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया और वो मेरा क्लियर हुआ, जिसके पश्चात अभी 2 साल से मैं मोरारजी देसाई में ही कार्यरत हूँ, और इंस्टीट्यूशनल जितने भी कोर्सेज हैं उसका इंचार्ज भी अभी मुझे बनाया गया है। तो ये सब कृपा सिर्फ गुरुदेव की रही, हम निरंतर प्रयत्न करते रहे बिना किसी भटकाव के, समर्पण भाव से। और समर्पण भाव भी कितना रहा पता नहीं, पर गुरुदेव का प्यार निरंतर हमें मिलता रहा। हर पल हर क्षण उनसे कभी भी मन दूर हुआ ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कभी कोई भी दुख परेशानी तो सबके जीवन में आता है, सबको ये लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आए, पर जो प्रारब्ध है उसे कौन बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता। पर आत्मविश्वास, उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति, अच्छे विचार, उत्साह कौन प्रदान करता है, वो गुरुदेव के विचार, अखंड ज्योति। जब भी मैं परेशान हुई मैंने अखंड ज्योति का सहारा लिया, अखंड ज्योति को खोल के बैठती थी, उसका एक पेज पढ़ के मन इतना उत्साहित हो जाता था कि कितनी भी लगता था कि कितनी बुरी परिस्थिति में हमें डाल दो, हम उससे निकल जाएंगे और जो परिस्थिति में हमारे साथ हैं उनमें भी बदलाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने में बदलाव किया है, तो वो लोग प्रभावित अपने आप होते हैं जो आपके वातावरण में रह रहे हैं। तो ये हमारा पक्ष रहा। उसके बाद अभी जो हम योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में वहाँ पे कार्यरत हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे बहुत सारे विकास के, अब उन्नति के चांस दिखते रहते हैं। पर
कहने का पूरा मतलब ये है कि आपने जो भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, दुनिया बहुत, अगर आप संसार में आएंगे इधर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भटकाव के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके पास आपके मोबाइल में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों मिली हुई हैं। योग पर यही बताता है कि जिस तरीके से पानी नीचे ही गिरता है, मन संसार की तरफ ही भागता है। बहुत अच्छा लगता है बुरी चीज़ें सुनने, किसी की बुराई करने, टाइम को अनायास बर्बाद करने, पर जिस तरीके से मन संसार की तरफ जाता है, पानी संसार ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जाता है, वैसे ही मन भी संसार की तरफ जाता है। पर पानी को उठाने के लिए साधन की ज़रूरत होती है। आप सब शांति कुंज में रहते हैं, ये सब अच्छे अच्छे विचार आप सभी को पता है, बस उसको एक बार रिकॉल करवा रहे हैं और उस सौभाग्य को याद करवा रहे हैं। तो वैसे ही मन को भी प्रयत्नपूर्वक उठाना पड़ता है, जैसे पानी को साधन से मोटर से उठाना पड़ता है, मन को भी उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है गुरुदेव की अच्छे विचार। और अच्छे विचार हमारे पास मासिक अखंड ज्योति पुस्तिका आ रही है, या हारिए ना हिम्मत हमारे पास दैनिक है जो हम डेली पढ़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है अपना मित्र, अपना दोस्त अपने गुरुदेव को बनाना, अपना सब कुछ अपने गुरुदेव को बनाना, क्योंकि वो जब अगर हमारी डोर बनाए हुए हैं तो हमें भी उनसे अत्यंत प्यार होना चाहिए, जिससे कि उनके विचार हम तक आते रहें और जैसा वो हमें चलाना चाहे चला सकें। तो अच्छे विचार हमेशा अखंड ज्योति से हमें मिलते रहे और कभी भी भटकाव आया नहीं। जो भी हमारे समीप आया, हमने गुरुदेव के ही विचार हम देते गए और वो सब प्रभावित होते गए। तो कहने का मतलब इतना ही है, बिना भटकाव के जिस भी तरफ आप लक्ष्य बनाइए, उस निरंतर उस लक्ष्य को समर्पण भाव से करते जाइए, अपने चारों ओर का वातावरण अनायास अच्छा ही बनता जाएगा, क्योंकि गुरुदेव जब आपके अंदर उतरे हैं, उनके विचार आपके अंदर हैं, तो आप जहाँ पे भी कार्य करेंगे सबको आप धन्य बनाएंगे। तो इस लर्न फ्रॉम लीडर्स की सीरीज़ में यही कहना चाहूँगी कि अपने समर्पण भाव को कम ना होने दीजिए, निरंतर स्वाध्याय करिए और निरंतर गायत्री माता का जाप, 1, 2, 3 माला। अब मेरे साथ ऐसा है कि सुबह अगर मैं दीपक जला के सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया, उसके बाद मानसिक जाप करते हुए, क्योंकि मेट्रो से मैं जाती हूँ अपने इंस्टीट्यूट, तो मेट्रो में जितने भी टाइम मेट्रो का सफ़र होता है, कान में गुरुदेव के मंत्र का, गायत्री मंत्र लगा के ट्रैवलिंग करती हूँ। तो ये यही मानती हूँ कि गुरुदेव का वाणी में और मानसिक जाप होता जा रहा है। पर बैठकर 3 माला या 5 माला जितना भी आप कर सकते हैं अवश्य करें, या इतना भी टाइम नहीं है तो सुबह उठते ही बेड पे ही आप 24 बार गायत्री मंत्र, या 5 बार पहले प्राणायाम करके फिर उसके बाद 24 बार गायत्री मंत्र करके एक यात्रा कर लीजिए शांति कुंज की। वो भी एक अपने आप में थोड़े ही टाइम में हम एनर्जाइज हो जाते हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके बाद अभी मैं कर्मकांड भास्कर का ये पढ़ रही थी, तो इसमें हमें अपनाने योग्य सत्प्रवृत्तियाँ हैं, वो सब गुरुदेव ने हमें बताई गई हैं, सिर्फ एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा रही हूँ इस लर्न फ्रॉम लीडर्स की सीरीज़ में, कि कम से कम 10 मिनट नित्य गायत्री मंत्र की उपासना, घर में अपने से बड़ों का नियमित अभिवादन बहुत आवश्यक है, और छोटों को सम्मान प्यार, उनसे तू तड़ाक के शब्द का प्रयोग ना करना, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना, उनका पालन करना, परिश्रम का अभ्यास बनाए रखना, कोई भी काम छोटा नहीं है, हर जो भी काम मिला है उसे तन्मयतापूर्वक करते जाना, नियमित स्वाध्याय जीवन को सही दिशा देने वाले सत साहित्य को कम से कम आधा घंटे नित्य पढ़ना और सुनना, जैसा भी आपको अच्छा लगे, पढ़ पाते हैं पढ़ लीजिए, नहीं तो इतने सारे वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको सुनिए। उसके साथ साथ ही आज बहुत आवश्यक है अपनी भारतीय संस्कृति के जो हमारे प्रतीक हैं,
उनको अपने अंदर स्थापित करना, चाहे हमारी शिखा स्थापन, यज्ञोपवीत या हमारी वेशभूषा, इनको बनाए रखना, इनका सम्मान करना और सादगी भरा जीवन जीना और औसत भारतीय स्तर के रहन सहन के अनुरूप विचार का अभ्यास बनाए रखना कि कितना भी आपकी इनकमिंग है पर अपने आप को बहुत सादगी और सम्मान, तभी आपको मिलेगा सादा जीवन, उच्च विचार, ये अपने आप में अंदर बना के रखना। ये सब गुरुदेव के विचार हैं और वही विचार हमें हर परिस्थिति से निकाल लेते हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति से। ज्ञान यज्ञ सद्विचारों के प्रसार के लिए कम से कम 10 पैसा धन, 1 घंटा प्रतिदिन अपने समय को समाज के लिए निकालना, जो गुरुदेव ने कहा है अपनी कमाई का 1% भगवान के काम में अर्पित करना। हमारा तो इतना बड़ा संस्थान, इतना बड़ा मिशन है, तो उसके लिए अवश्य ही हमें अपना कुछ ना कुछ, जैसे अब हमने वांग्मय को स्थापित किया अपने इंस्टीट्यूट में, और पहले भी जहाँ विद्यालय में थे वहाँ वांग्मय स्थापित करवाया, तो लोग, बहुत लोगों का ज्ञान विकास होता है, परेशानियों और उलझनों का गुरुदेव के विचार के माध्यम से दूर होते हैं। तो जितना भी आपसे बन पड़े उतना अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, अपना समय भी निकालें और अपना अंशदान भी निकालें। परिवार में सामूहिक उपासना आरती का क्रम, कोशिश हम भी करते हैं कि शाम को एक साथ परिवार के सभी लोग आरती करें, गायत्री माता की आरती और आरती की जाती है। अपना सामूहिक जन्मदिन, अब यहाँ पे नई क्रांति शुरू करी है कि जन्मदिन जब होता है तो 5 दिए जला के गायत्री मंत्र, और जो भी फंक्शन हो रहा है वो अलग है, पर 5 दिए जला के गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र करते हैं। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं उनका अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, ये सत् प्रवृत्तियों का संवर्धन करवाते हैं। उसके साथ दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन के लिए गुरुदेव ने बताया है कि चोरी, बेईमानी, छल, जितनी भी अनीतिपूर्ण चीज़ें हैं उनको दूर करना, अपने व्यक्तित्व से हटाना, उसके साथ में मांसाहार और इन सब का सेवन ना करना, क्योंकि जैसा खायन वैसा बने मन। उसके बाद मैं बलि वैश्य यज्ञ डेली करती हूँ, तो आप सभी को भी यही कहना चाहूँगी कि इससे वातावरण में अमूल चूल, आज कोरोना का समय है तो ये जितने भी हम शुद्ध हवन सामग्री में 12 औषधियों की डाल रहे हैं, गुड़ घी डाल रहे हैं, तो एक वातावरण शुद्ध बनता है। तो ये भी गुरुदेव ने जब बताया है उसे अपने जीवन में हम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, गाली गलौज, कटु, नशे ना करना, विवाह में बर्बादी ना करना, जाति पाति ऊंच नीच को ना मानना, पर्दा प्रथा, और भी बुरी चीज़ों को ना देखना, ना सुनना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, क्योंकि इंद्रियां भी हमें नीचे की तरफ गिर रही हैं, उनको हमेशा नियंत्रण करना, जो देखने योग्य नहीं है उसको नहीं देखना है, संकल्प लीजिए, जो सुनने योग्य नहीं है उसको नहीं सुनना है। अपना निरंतर गुरुदेव में ध्यान लगाइए, माता जी के चरणों में ध्यान लगाइए और संकल्प पूर्वक जो भी लक्ष्य बनाया है उसे पूर्ण करने के लिए लग जाइए, अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो इन सभी बातों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी सद्विचारों से उत्प्रोत रहें, गुरुदेव माता जी का आप सभी के जीवन में प्रवेश हो, आप सभी उस सौभाग्य को समझें जहाँ पे अभी आप हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम। धन्यवाद अमृता द्विवेदी शर्मा जी, आपने हमें बहुत ही सरलता पूर्वक यह बताया कि कैसे हम अपना गोल सेट करके पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसे हासिल करने के लिए अपना कदम बढ़ा सकते हैं। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के अगले एमिनेंट स्पीकर सूर्य प्रकाश उपराले जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। आप फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत हैं, इससे पूर्व आप टेरिटरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिन फार्मास्यूटिकल वडोदरा गुजरात इंडिया में कार्यरत थे। सूर्य प्रकाश उपराले जी।
नमस्कार, मेरा नाम सूर्य प्रकाश उपराले है और मैं जेमन फार्मास्यूटिकल्स में पिछले 3 साल से फॉर्मर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा था। और मैंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोलन हिमाचल प्रदेश से पूरी की है तथा बचपन से 2013 तक के कक्षा 12वीं तक के मैंने अपनी पूरी पढ़ाई गायत्री विद्यापीठ से कम्प्लीट करी है। विद्यापीठ के माध्यम से मैंने अनुशासन सीखा और गायत्री विद्यापीठ की विभिन्न गतिविधियों जैसे खेल कूद या सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने अंदर से एक इंट्रोवर्ट या एक झिझक जो होती है उसको अपने अंदर से निकाला और जहां पर भी मेरे को मौका मिला मैंने उस मौके को अपना बनाने की कोशिश करी है। गायत्री विद्यापीठ में अपने आप को एज अ टीम प्लेयर जानने के बाद जब मैं कॉलेज में गया और वहाँ के डिफरेंट इवेंट सेमिनार्स एंड फेस्ट में जब मेरे को हिस्सा लेने का मौका मिला तब वहाँ मैंने जाना कि एज अ टीम प्लेयर ही नहीं मैंने अपने टीम लीडर क्वालिटी को भी जाना और वहाँ से मैंने अपने आप को एक लीडर के रूप में प्रेजेंट किया जहाँ मुझे कई फेस्ट और कई सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, अपने व्यक्तित्व को और निखारने का मौका मिला। जब मैंने अपने कॉलेज के दिनों में अपने आप को एज अ टीम लीडर जाना तो मैंने ये जाना कि मौके बनाए जाते हैं अपने लिए। मौके हमारे पास बहुत सारे रखे होते हैं लेकिन हमें अपने लिए मौका खुद बनाना होता है। इसी बात को मैं अपने आगे ज़िंदगी में साथ लेते हुए चला और मैंने जब जेमन फार्मास्यूटिकल्स को एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया तो मैंने इस बात को हमेशा ध्यान रखा कि कोई भी बात हो उसको मैं एक मौके की तरह लूँ और उसी की बेसिस पे मैं आगे बढ़ता गया। और यही अनुशासन, संयम और बेझिझकता जो मैं गायत्री विद्यापीठ में अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, अपने शांतिगुंज में जितने बड़ों से या अपने साथियों से सीखने को मिला उसको इम्प्लीमेंट करता गया अपनी कर्मभूमि में और सफलता पाता गया। कॉलेज के सेमेस्टर ब्रेक में जब भी मुझे मौका मिला शांतिगुंज आया और शांतिगुंज आने के साथ मैं उस टाइम की बात है 2013 में जब मैं सेमेस्टर ब्रेक में यहाँ पर शांतिगुंज में था तब केदारनाथ त्रासदी हुई जिसमें कि मैंने अपने आप को पाया कि मैं सिर्फ एक टीम प्लेयर या टीम लीडर नहीं मैं एक स्वयंसेवक की तरह भी काम कर सकता हूँ। और मैंने गायत्री परिवार की आपदा राहत सेवा कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 2014 में मुझे जब मैं शांतिगुंज में ही था और मुझे एक मौका दिखा जो था कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस में मैंने देखा कि अपने साथियों को कि वो जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तो मैंने उस मौके को भुनाया और कोशिश करी कि मैं अपना 100% योगदान उसमें दे सकूं और मैं उस तरीके से देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया। ऐसे ही सेवा कार्य करते करते और टीम लीडर बन का काम करते करते मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपनी कर्मभूमि में गया वडोदरा गुजरात में जहाँ पर जब भी मेरे को मौका मिला कि मैं कुछ भी अच्छा काम कर सकूं या सेवा का काम कर सकूं जैसे कि गायत्री परिवार का रजत जयंती समारोह मनाया गया था अष्टमी यज्ञ का उसमें मेरे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जिसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मुझे जब अपनी कर्मभूमि से वापस शांतिगुंज आना पड़ा तो अपने हीलिंग पीरियड में मैंने देखा कि शांतिगुंज में बहुत सारी गतिविधियाँ संचालित हो रही थी साथ में ही तैयारी चल रही थी अष्टमेक गायत्री महायज्ञ हैदराबाद 2019-2020 की। मैंने पाया कि मैं अपने आप को इतना सक्षम पाया कि मैं इस कार्य में सेवा दे सकता हूँ तो मैं हैदराबाद जाके और अष्टमेक गायत्री महायज्ञ में एक हिस्सा बना और वहाँ पर अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा देता रहा साथ ही और जहाँ भी मेरी कोई जरूरत पड़ी जहाँ पर मैं अपनी सेवा दे सकता था वहाँ पर मैंने अपनी सेवा दी और गुरु लाभ प्राप्त किया। मैं अपनी बातों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में अनुशासन रखें और जहाँ पर भी आपको मौका मिले जहाँ पर आपको लगे कि आप सक्षम हैं आप ये कार्य कर सकते हैं वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को उस मौके को तुरंत अपने पास रखिए अपने हाथ से न जाने दें। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय और आदरणीय चिन्मय भैया का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने कुछ छोटे से अनुभव अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ शेयर कर सकूं और उनको इस अनुभव के थ्रू लाभ पहुंचा पाऊं। हालांकि मैं अभी इतना बड़ा लीडर या एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं अपने अनुभव शेयर करूँ और आप उससे मोटिवेट हो सकें लेकिन फिर भी कोई अगर अपने
मेरा छोटा भाई या बहन अपनी ज़िंदगी को इस छोटे से अनुभव से अगर सुधार पाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अंत में धन्यवाद देना चाहूँगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं इस मौके का लाभ उठा पाया। धन्यवाद सूर्यप्रकाश अपराले जी, आपने बहुत ही सरल ढंग से हमें यह बताया कि जीवन में एक व्यक्ति को बॉस होने से ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण यह है कि वह एक लीडर बने, जो कि हमारे सभी दर्शकों के जीवन में एक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद। लर्न फ्रॉम लीडर्स के एपिसोड्स में अपना सतत मार्गदर्शन देने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर देव संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का। साथ ही मैं लर्न फ्रॉम लीडर्स के अपने सभी विशिष्ट वक्ताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय निकाल कर हमारे व्यूवर्स के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा किया। कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में मैं हमारे सभी दर्शकों का आभार ज्ञापित करती हूँ, जो इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने जीवन के व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस जीवंत अनुभव का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए आप इस स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह ज्ञान की गंगा हमेशा प्रवाहित होती रहे। साथ ही इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को देखने के लिए आप विज़िट करें देव संस्कृति विश्वविद्यालय ऑफिशियल पेज एवं यूट्यूब चैनल देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। जल्द ही मिलते हैं लर्न फ्रॉम लीडर्स के एक नए एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।